सवाल नंबर एक, कौन सा जानवर पालने से घर में बरकत होती है? आपके ऑप्शन है ये, ए घोड़ा, बी बकरी, सी कुत्ता, डी बिल्ली। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बकरी घर में पालने से घर में बरकत होती है। सवाल नंबर दो, वो कौन सा गुनाहगार है जिसे इंसान अगर देख ले तो फौत हो जाए? आपके ऑप्शन है ये, ए फिरौन की लाश, बी शद्दाद की लाश, सी दज्जाल, डी जहन्नुमी काफिर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जहन्नुमी गुनहगार को अगर इंसान देख ले तो फौत हो जाए। सवाल नंबर तीन, किस जानवर को मारना एक मुशरिक आदमी को मारने के बराबर है? आपके ऑप्शन है ये, ए खरगोश, बी कुत्ता, सी सांप, डी गधा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सांप को मारना एक मुशरिक आदमी को मारने के बराबर है। सवाल नंबर चार, कब्र में सवाल जवाब के वक्त रूह कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ये, ए इल्लीन में, बी सिज्जीन में, सी जिस्म में, डी जन्नत में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कब्र में सवाल जवाब के वक्त रूह इंसान के जिस्म में होती है। सवाल नंबर पाँच, बिना मतलब के ज़्यादा सोने वाले कयामत के दिन किस हाल में होंगे? आपके ऑप्शन है ये, ए बहुत अमीर होंगे, बी बहुत गरीब होंगे, सी जहन्नुमी होंगे, डी जन्नती होंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बिना मतलब के ज़्यादा सोने वाले कयामत के दिन बहुत गरीब होंगे। सवाल नंबर छः, किस मुसलमान पर जुमे की नमाज जिंदगी भर फर्ज नहीं? आपके ऑप्शन है ये, ए शराबी पर, बी खूनी पर, सी झूठे पर, डी माजूर पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, माजूर पर जुमे की नमाज जिंदगी भर फर्ज नहीं। सवाल नंबर सात, गुनहगार लोग कयामत के दिन किस चीज़ में डूबे हुए होंगे? आपके ऑप्शन है ये, ए खून में, बी पानी में, सी शराब में, डी पसीने में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, गुनहगार लोग कयामत के दिन पसीने में डूबे हुए होंगे। सवाल नंबर आठ, क्या जिन्नात भी शादी और निकाह करते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए करते हैं, बी नहीं करते। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जिन्नातों में भी शादी और निकाह होते हैं। सवाल नंबर नौ, किस तरह खाना खाने में बरकत नहीं होती? आपके ऑप्शन है ये, ए गर्म खाना खाने में, बी ठंडा खाना खाने में, सी बासी खाना खाने में, डी होटल का खाना खाने में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, गर्म खाना खाने में बरकत नहीं होती। सवाल नंबर दस, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये, ए फारसी, बी उर्दू,
सी अरबी डी हिंदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दुनिया की खालिस तरीन जबान अरबी है। सवाल नंबर 11। कौन से जानवर की पैदाइश हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हुई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए सांप, बी बिच्छू, सी चूहा, डी लोमड़ी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। चूहे की पैदाइश हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हुई थी। सवाल नंबर 12। लोगों के वो आमाल जो सजा और जजा के लायक नहीं होते, वो किस दिन नामे आमाल से निकाल दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए इतवार, बी पीर, सी बुध, डी जुमेरात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जो आमाल सजा और जजा के लायक नहीं होते, वो जुमेरात के दिन नामे आमाल से निकाल दिए जाते हैं। सवाल नंबर 13। अल्लाह ने पानी को किस दिन पैदा किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए इतवार, बी पीर, सी बुध, डी जुमेरात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह ने पानी को बुध के दिन पैदा किया था। सवाल नंबर 14। काबे शरीफ की तामीर कितने पहाड़ों के पत्थर से हुई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए 3, बी 5, सी 7, डी 11। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। काबे शरीफ की तामीर 5 पहाड़ों के पत्थर से हुई थी। नंबर 1 तूरे सीना, नंबर 2 कोहे जूदी, नंबर 3 कोहे जेता, नंबर 4 जबले लबनान, नंबर 5 कोहे हीरा। सवाल नंबर 15। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, चाहे अकेले पढ़ रहा हो या इमाम के पीछे पढ़ रहा हो, तो इसको छींक अगर आ रही है खुद नमाजी को, तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हुए नहीं कहना, नमाज के बाद कह ले। लेकिन अगर किसी ने नमाज के दौरान ही छींक आई और उस छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह खुद कह लिया, तो इसकी अपनी नमाज नहीं टूटेगी। अगर किसी और को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और ये नमाज पढ़ रहा है और इसने छींकने वाले की छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उसे सुना है, अब अगर जवाब में जो यरहमुकल्लाह कहा जाता है, अगर अब ये जवाब के तौर पे अगर दौरान नमाज किसी नमाजी ने यरहमुकल्लाह कहा, तो अब नमाज टूट जाएगी। अपनी छींक आने पर यूं अल्हम्दुलिल्लाह कहने की सूरत में नमाज नहीं टूटती, कहना नहीं चाहिए, कह लिया तो नमाज नहीं टूट।